नमस्कार किसान भाई, कृषि जागरण से मैं सुरेश कुमार कुशवाहा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को लहसुन की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यह एक ऐसी फसल है जो कि किसान भाई को बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होती है, क्योंकि हमारे किसान भाई गेहूं है, मक्का है, बाजरा है आदि फसल जो करते हैं उसका एक भाव निश्चित रहता है 1500 रुपये से लेके और 2000-2400 रुपये तक ही निर्धारित रहता है, इसके ऊपर नहीं बिकता है। लेकिन लहसुन एक ऐसी फसल है जिसके भाव का कोई पता नहीं रहता है कि किस साल कितना महंगा बिक जाए, 10,000 में बिक जाए, 15,000 में बिक जाए, 8,000 में बिक जाए। तो इसलिए हमारे किसान भाई लहसुन की खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्यों एक ऐसी फसल होती है जब कितना भी कम दामों में बिके तो ये हमारे गेहूं का एवरेज तब भी दे देती है, क्योंकि ये लहसुन एक ऐसी फसल है जो सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाली फसल होती है और इसका जो मार्केटिंग होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको लोग बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं। बिना लहसुन के सब्जी का कोई महत्व ही नहीं है। तो किसान भाई को लहसुन की खेती पर ध्यान देना चाहिए और अच्छा मुनाफा कमाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसका भाव का कोई निर्धारित नहीं होता है कि ये कितना महंगा बिक जाए और हमारे किसान भाई अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लहसुन हमारा कितना अच्छा है। और इसी के साथ साथ में लहसुन की खुदाई करने के बाद में इसमें किसान भाई मूंग है, उड़द है, मूंगफली है या खरबूजा लगा सकते हैं, इसी में लौकी भी लगा सकते हैं और अन्य भी फसलें इसमें लगाकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमारे किसान भाई को लहसुन की खेती करनी चाहिए और अच्छा रिजल्ट, अच्छा दाम और आमदनी करनी चाहिए।